मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने निकाय चुनाव के लिए पार्टी नेताओं से सलाह मशविरा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, सबसे चर्चा के बाद कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी। इसके लिए कांग्रेस में बैठकों के दौर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक इसके लिए सबसे फीडबैक ले रहे हैं। वासनिक ने कहा, संगठन किसी भी समय रुका हुआ नहीं रह सकता। लगातार हमारी कोशिश यही रहती है कि संगठन को नई ऊर्जा मिलती रहे तथा अनुभवी साथियों के अनुभव का लाभ संगठन को मजबूत करने की दिशा में मिलता रहे। उन्होंने कहा, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, मोर्चे के संगठनों के पदाधिकारियों व सभी से मिलकर बैठक कर चर्चा करूंगा। सभी से मिलकर नगरीय निकाय चुनाव की आगामी रणनीति व तैयारियों को लेकर सभी से चर्चा करूंगा। आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, उस संदर्भ में फैसलों को हम कैसे अंतिम रूप दें और उसके बाद मैं प्रदेश के अन्य संभागों में जाऊंगा और उसके बाद हम अपनी रणनीति व तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। कल हम सागर जाएंगे, फिर जबलपुर और फिर रीवा। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे साथी हैं, अग्रिम संगठन के हमारे साथी हैं, उन तमाम साथियों से आज संगठन की क्या स्थिति है, वहाँ पर स्थानीय हमारे सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, किस तरह से हम स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में लगे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम राय मशवरा करेंगे और फिर इसी सिलसिले में और आगे में दूसरे संभागों में मेरा जाने का कार्यक्रम रहेगा। देखिए, अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम नेताओं के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों के साथ चर्चा करने के बाद में फिर कैसे फैसले लेने हैं चुनाव के संदर्भ, उसके बारे में अंतिम फैसला करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।